तेरे संग ही बिताने हैं मुझको मेरे सारे जन्म रे सनम रे सनम रे। भाई मजा आया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो पर सिखाएंगे कि आप अपने मोबाइल से कुछ उस टाइप की ट्रेंडिंग वाला स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हो वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर, तो अपना भाई का वीडियो आप जरूर देखना। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे, तो चलिए मेरा मोबाइल के होम स्क्रीन पर जाके आपको पूरा सिखा देता। तो गाइज इस टाइप से वीडियो बनाने के लिए अपने मोबाइल पर वो वाला कैनमास्टर डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जब ओपन करेंगे देन ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पर बहुत सारे डिशो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर दिखाई देंगे, लेकिन स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करेंगे तो वो वाला सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाई देंगे क्रिएट का ऑप्शन पर आपको टच कर देना होगा। देन अपने मोबाइल पर कुछ ऐसा देखने को मिल जाएंगे। जब फर्स्ट बार यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फ़ोटो ले लेना है, जिस फोटो से आप स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कोई सा भी एक फ़ोटो लेकर आपको बता देता हूँ, तो आप कोई सा भी फ़ोटो आप ले सकते हो। तो मैं फोटो को क्लिक किया, तो फोटो को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो को ड्यूरेशन आपको लंबी करना, कितने सेकंड की आप वीडियो बनाओगे। तो अब इसको डिसाइड करने के बाद आपको फोटो पर क्लिक करके इसका जो पेन एंड जूम पर आपको क्लिक करके इसको और भी एडजस्ट कर सकते हो आप चाहो। यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो आप अपनी मर्जी से। तो उतना तक करने के बाद इसको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद दोस्तों आपको कट कर देना। कट करने के बाद अभी आपको दोबारा क्लिक कर देना होगा लेयर पर। लेयर पर क्लिक कर देना होगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैं लेयर पर, तो लेयर पर जैसे क्लिक करेंगे तो मीडिया वाला ऑप्शन पर देखने को मिलेंगे। तो इस पर क्लिक करके जितने भी मटेरियल में यूज़ करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जिसे आप ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन किया, जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे देन ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल करके आ जाना होगा स्प्लिट स्क्रीन पर, इस पर आपको टच कर देना होगा। टच करते आपको यहाँ पर जो व्हाइट कलर का यहाँ पर दिखाई देंगे, इस पर टच करता है यहाँ पर फुल स्क्रीन सेट हो जाएंगे। इसको कट करके आपको ढूंढना होगा क्रोमा की। दोस्तों यहाँ पर क्रोमा की ऐसे देख सकते हो, वो वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते यहाँ पर अनेबल वाला ऑप्शन को आपको यहाँ पर अनेबल कर देना होगा। अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देंगे ग्रीन कलर, इस पर क्लिक करके आपको येलो कलर पे आपको टच कर देना। येलो कलर पर क्लिक करके इसको रेड कर देना। जैसे रेड करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद इसको आपको ड्यूरेशन कितना रखना है इसको एडजस्ट करने के बाद बाकी का पार्ट में कट कर देता हूँ। कट करने के लिए ट्रिम टू स्प्लिट पर क्लिक करके ट्रिम टू राइट कर देना, तो यहाँ पर राइट वाला पार्ट यहाँ पर कट हो चुका है। तो कट होने के बाद अभी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड का बटन पर क्लिक करके देन इसको आपको 720 पर रख के इसको 7 वीडियो पर क्लिक कर देना। देन जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़े टाइम आपको वेट करना। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कितनी तेज़ी से यहाँ पर वो यहाँ पर एक्सपोर्टिंग हो रहा है। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर वेट करना होगा। वेट करने के बाद वो यहाँ पर जब भी डाउनलोड हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर और भी मास्टर ट्रिक्स लगाना होगा, जिससे वीडियो और भी बेहतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते हो अभी यहाँ पर वीडियो यहाँ पर 70 यहाँ पर हो चुका है, 70% यहाँ पर डाउनलोड हो ही सका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और भी वेट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वेट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है, तो इसको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको टेम्पलेट पर क्लिक करके इसको आपको डिलीट पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। तो अभी आपको दोबारा क्लिक करना होगा लेयर पर। लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना। देन आपको इस फोटो को दोबारा आपको ले लेना होगा। जैसे कि मैं इस फोटो को लिया दोस्तों, इस फोटो को लेने का वही वजह है कि अगर आप पहला वाला फ़ोटो को अब देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे से क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका देख सकते हो अब इसका यहाँ पर फुल क्लियर में यहाँ पर फुल HD में आपको देखने को मिल रहा है फोटो। तो इसको यहाँ पर उतना तक आपको रख देना है। रखने के बाद इसको लास्ट तक कर देना इस वीडियो के जितना यहाँ पर वो फोटो है। तो उतना तक करने के बाद अभी आपको दोबारा क्लिक कर देना होगा लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना होगा दोस्तों। देन अभी जो वीडियो को एक्सपोर्ट किया इसको डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हो इसको क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे ही क्लिक करेंगे देन ऐसे आपको मोबाइल पर देखने को मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, थोड़ा सा ढूंढ के लाना
बनाना होगा स्प्लिट स्क्रीन। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वाला ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर देना। देन जैसे ही क्लिक करेंगे देन आपको इसको कट कर देना। कट करने के बाद अभी आपको दोबारा क्रोमा की पर आके देन इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करके इसको अनेबल करके आपको आ जाना होगा। यहाँ पर देख सकते हो अभी आपको इस पर क्लिक करके इसको ग्रीन ही रख देना और इसको राइट कर देना। राइट करते इसको कट कर देना दोस्तों। जैसे ही कट करेंगे देन देख सकते यहाँ पर फोटो यहाँ पर दिख रहा होगा पहला वाला फोटो। तो पहला फोटो पर क्लिक करके अभी इसको एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट करने के लिए आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना इस फोटो को। देख सकते हो मैं इस फोटो को ऐसे एडजस्ट किया, तो आप भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर कट कर देना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हो चुका है। अभी यहाँ पर हो जाने के बाद अभी दोबारा आपको क्लिक कर देना होगा लेयर पर। देन लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो वो बार टेम्पलेट आपको वीडियो के स्टार्टिंग पर कर देना। करने के बाद आपको लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना होगा दोस्तों। यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करके जितने भी मैं टेम्पलेट यूज़ करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते दो वाला टेम्पलेट को आपको लगाना होगा। लगाते ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर से यहाँ पर देख सकते कुछ ऐसा इंटरफेस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके आ जाना होगा। देन स्प्लिट स्क्रीन पर दोबारा क्लिक करके इसको टच कर देना। करने के बाद आपको बैक आ जाना है। आने के बाद अभी ढूंढना होगा ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन को, आपको क्लिक कर देना होगा। करने के बाद आपको इसको कर देना होगा स्क्रीन और इसको कट करके इसका आ जाना होगा मिक्सर पर। आगे इसका साउंड म्यूट करना होगा वरना वीडियो बहुत ही यहाँ पर अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देंगे। तो उतना तक हो जाने के बाद बाकी का पार्ट आपको ट्रिम टू स्प्लिट पर क्लिक करके ट्रिम टू राइट कर देना। तो यहाँ पर कट हो जाएंगे। कट हो जाने के बाद यहाँ पर फूल यहाँ पर ऐड हो चुका है। ऐड हो जाने के बाद आपको आपको अभी आपको लाइरिक वीडियो को ऐड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं लाइरिक वीडियो ऐड नहीं करेंगे, एक सॉन्ग को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो आप भी इस सॉन्ग को ऐड कर लीजिएगा। तो मैं सॉन्ग को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, तो इसको आप लगा सकते हैं। तो मैं इस सॉन्ग को लगाकर आपको बताता। तो दोस्तों फाइनली इस सॉन्ग को मैं यहाँ पर ऐड किया। दोस्तों ऐड करने से पहले पहला वाला जो टेम्पलेट का म्यूट करना होगा साउंड, यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन ब्लॉक का जो टेम्पलेट इसका साउंड पर आपके मिक्सर पर क्लिक करके इसका साउंड कर देना म्यूट। म्यूट करते ही वो यहाँ पर हट जाएंगे इसका सॉन्ग। अभी जो सॉन्ग में ऐड किया इसका सॉन्ग आपको अच्छे तरीके से सुनाई देंगे। तो दोस्तों चलिए एक बार मैं प्ले करके आपको सुनाता हूँ और अगला प्रोसेस में आपको बताएंगे इसको डाउनलोड कैसे करना होगा। तो चलिए मैं एक बार प्ले कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते हो क्या ही मस्त वीडियो बनके रेडी हो चुका है। तो अभी इस वीडियो को अभी आपको डाउनलोड करना होगा दोस्तों। डाउनलोड करने के लिए इस वाला ऑप्शन पर आपको टच कर देना होगा। देन टच करते ही अभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे वो वाला, वो पहला वाला जो आप ऐड किया डाउनलोड किया था यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर इसको डिलीट करेंगे तो अपना जो अभी वीडियो को डाउनलोड करेंगे वो अच्छे तरीके से नहीं आएंगे। तो इसको यहाँ पर रहने देना है। रहने के बाद अभी यहाँ पर पहले 720 बार डाउनलोड किया था, तो अभी आपको 1080 पर को रखना है, जिससे वीडियो फुल एचडी में देखने को मिलेगा और जो भी देखेगा चौंक जाएगा। तो दोस्तों अब इसको यहाँ पर एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देंगे 6 बजे वीडियो। दोस्तों यहाँ पर 6 बजे वीडियो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना वीडियो डाउनलोड होने लगेगा। तो जैसे कि मैं इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो मैं डाउनलोड करती है वो वाला यहाँ पर वीडियो डाउनलोड होने लग चुका है। आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, इसके अंदर अपना वीडियो डाउनलोड होके अपने गैलरी पर रेडी हो जाएंगे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोल गप्पा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।